नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 100 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल खंडालकर। रुक करेंगे उत्तराखंड की बड़ी खबरों का। उत्तराखंड के ऋषिकेश में प्रसिद्ध लोक गायक कृपा राम जोशी का नया गाना रिलीज हुआ है। ऋषिकेश प्रेस क्लब के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में स्वामी दयानंद आश्रम की प्रमुख स्वामिनी सद विद्यानंदा, उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के वाइस चेयरमैन आर ए खान समेत कई लोग मौजूद रहे। ये गाना बौद्ध धर्म से संबंधित है और बौद्ध धर्म की प्रसिद्ध देवी तारा के बीज मंत्र पर आधारित है, जो भारत समेत विश्व में शांति का प्रतीक है। लोक गायक कृपा राम जोशी ने कहा कि उन्होंने प्रसिद्धि पाने के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर में शांति की मनोकामना को लेकर गाना बनाया है और इस गाने को लेकर वो विदेशों में भी यात्रा करने वाले हैं ताकि विश्व पटल पर भारत को एक पहचान मिले। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि माँ गंगा के किनारे पले बढ़े और उससे उन्हें प्रेरणा मिलती है, इसलिए वो बहुत जल्द ही माँ गंगा को लेकर भी गाना बनाने जा रहे हैं। को लेकर हम विदेशों में भी यात्रा करने वाले हैं तो विदेशी लोगों का भी एक इसी के ऊपर ही है कि आप स्पिरिचुअलिटी के लिए हमको इन्विटेशन आया इन चीज़ों के लिए कि आप इसी के ऊपर काम करो। तो इसका मतलब हमारे देश की संस्कृति है, अगर दूसरे देश में भी इस चीज़ का रिस्पेक्ट है तो शायद हम लोगों को काम करना चाहिए। नहीं है, लोग मतलब अनकम्फर्ट महसूस करते हैं आज की मतलब जनरेशन को देखते हुए कि मतलब पीस दौड़ा भागी दुनिया भर का काम ये सो। तो एक इंसान के अंदर हमारे अंदर एक स्पिरिचुअलिटी जो होती है, इस चीज़ को समझना एक ज़रूरी है जो लोग नहीं समझ पाते हैं इसको प्रॉपर, या तो किसी शिक्षक से गुरु से सीखा जाता है जिसके माध्यम से हम अपनी चीज़ों को अंदर की जगा सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी धैर्य और पैशंस और पीस, स्पिरिचुअलिटी लव कि आदमी प्यार मोहब्बत से मतलब रहें पूरे वर्ल्ड में, और उससे हमारा एक पूरे वर्ल्ड वाइड लोगों से भी एक अच्छा ही म्यूजिक के माध्यम से एक जोड़ने का एक माध्यम है।